नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। तेलंगाना के करीमनगर क्षेत्र के हुजूराबाद में बुधवार को पुलिस ने दो बकरियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बकरियों ने तेलंगाना सरकार के हरित अभियान हरित हारम के तहत लगाए गए पौधों को खा लिया। जिन बकरियों पर ये आरोप लगा है, वे कई बार पौधे खा जाने का अपराध कर चुकी हैं और पुलिस ने इनके मालिक पर 1000 का जुर्माना करने के बाद इन्हें छोड़ दिया है। सेव द ट्रीज नाम के एक एनजीओ ने जंगली बादाम के लगभग 980 पौधों को कई जगहों जैसे ऑफिस और हॉस्पिटल के आसपास लगाया था। ये बकरियां उन पौधों के लिए संकट बन गईं और अब तक लगभग 250 पौधे खा चुकी हैं। इस मामले को लेकर एनजीओ कई बार पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा चुका है। सेव द ट्रीज के एक कार्यकर्ता कैलासा विक्रांत ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बताया, हमने स्कूलों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशन के आसपास अपने पैसों से खरीद कर जंगली बादाम के करीब 980 पौधे लगाए थे। इन पौधों को बकरियों ने खा लिया। बकरियों के मालिक दोरनकोंडा राजा, जो कुमरीवाड़ा के रहने वाले हैं, पुलिस ने उन्हें 1000 रुपए का हर्जाना भरने को कहा है और बकरियों को छोड़ दिया है। पुलिस ने राजा को सलाह दी है कि वे इन बकरियों को शहर के बाहरी हिस्सों में चराएं।